आज के इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट यानी आपका पेटीएम जो अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं है, यानी आपका पेटीएम में फुल केवाईसी नहीं है और आपके वॉलेट में पैसे हैं, जितने भी रुपये हो आपके वॉलेट में, उस वॉलेट के पैसे को आप चाहते हो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, वो भी विदाउट कोई चार्ज के, यानी 0% के चार्जेस पे, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बताना होगा कि आप कैसे पेटीएम के वॉलेट के पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट केवाईसी पेटीएम के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज रेड बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फोन के होम स्क्रीन। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने फोन के होम स्क्रीन। फोन के होम स्क्रीन पे आने के बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना जिसमें आपका KYC नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको एक बार प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो मेरा पेटीएम है इसमें कोई KYC नहीं है, इसमें KYC नहीं हो पाया है, पेटीएम अकाउंट में KYC नहीं है। तो विदाउट KYC पेटीएम के वॉलेट के पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना कि आपके पेटीएम वॉलेट में कितने बैलेंस है। तो यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्टोरी पे भी क्लिक करके आप पेटीएम वॉलेट चेक कर सकते हैं या फिर पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन मिलता है इस पर भी क्लिक करके आप पेटीएम वॉलेट अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पेटीएम बैलेंस यानी पेटीएम वॉलेट में जो है 30 रुपया है। तो यहाँ पे आपके पेटीएम वॉलेट में जितने भी रुपये हो, मिनिमम यहाँ पे 5000-10000 जितना भी रुपया आपका पेटीएम वॉलेट में, आप जितना हो सबको आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चार्ज भी नहीं लगने वाले है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैशबैक एंड ऑफर्स पर क्लिक करना है। कैशबैक एंड ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ समय तक यहाँ पे वेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने लगा है एक कि पे का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे रेंट पे का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको सिंपली बैंक होना है। बैंक होने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रेंट, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ठीक ऐसा ही आपको केवल और केवल रेंट लिखकर यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे रेंट पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको रेंट पेमेंट पे क्लिक करना है। रेंट पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसे प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आने के बाद सिंपली क्या करना है कि आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कि जैसे कि हाउस पेमेंट आपको यहाँ पर जमा करना है या फिर सोसाइटी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। तो आपको हाउस रेंट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको हाउस रेंट का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि इंटर बैंक अकाउंट डिटेल या फिर आपको मोबाइल नंबर या इंटर UPI ID। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पैसे तो यहाँ पर बैंक डिटेल डालना है। अगर आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर के थ्रू आप पैसे अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास UPI ID है जैसे कि आप फ़ोनपे गूगल पे वगैरह जो भी पे होता है वो सब अगर चलाते तो उसमें हर में आपको UPI ID मिलता है, उस UPI ID को भी डालकर यहाँ से पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे आसान यहाँ पे पैसे आपको ट्रांजेक्शन करना UPI ID से, क्योंकि बैंक डिटेल में आपको 2-4 डिटेल डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे UPI ID जो है केवल आपको सिंपल UPI ID डालना है, उसके बाद से आप इजिली यहाँ से पैसे पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI ID को चूज करता हूँ। तो सिंपली आपको जो भी करना है जिससे भी पे करना हो उसको चूज कर लेना, उसके बाद से यहाँ पे आपको जो भी UPI ID हो उस UPI ID को डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप अपना UPI ID डाल देंगे, UPI ID डालने के बाद नीचे में आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अगर इच्छा करे तो डाल सकते हैं, अगर इच्छा ना करे तो नहीं भी डाल सकते। उसके बाद से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई होगा और यहाँ पे नेम लिख देगा कि किसके नाम से UPI ID जो है चल रहा है। उसके बाद से आपको अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितना अमाउंट यहाँ से ट्रांजेक्शन करना है वो अमाउंट यहाँ पे आपको भरना है। तो मैं यहाँ से 10 रुपया पे करके आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि न्यू अपडेट के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि रेंट पे में आपको 2000 से मिनिमम 2 लाख रुपया तक आप यहाँ पे जो है उसको पे कर सकते हैं। आपको कम से कम यहाँ पे 2000 रुपया एक बार में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तभी जाकर आप इस वॉलेट के पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अन्यथा 2000 रुपये नहीं है तो आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ से मोबाइल रिचार्ज अन्यथा आप अगैरह वगैरह कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पुराने अपडेट में, जैसे कि ओल्ड अपडेट में यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया जितना आपके पेटीएम वॉलेट में रहता था वो पैसे को आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर। होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज रेड वाले बटन को क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।